अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम चावलों की एक और मशहूर ब्रांड के रिव्यू के साथ आपके पेश खिदमत हाजिर हैं। इससे पहले भी मैंने चंद मशहूर चावलों की ब्रांड का रिव्यू किया था, तो इसी सिलसिले की ये एक और ब्रांड कालर के नाम से आपके सामने मौजूद है। तो इससे जैसे कि आप देख सकते हैं कि बासमती स्टीम राइस 1121। अब 1121 चावलों की एक किस्म है जिसमें वो कहते हैं कि चावलों का जो ग्रेन है वो लेंथ में बहुत ज़्यादा लंबा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये इसके चावलों की क्वालिटी है, यानी कि बहुत ही उम्दा क्वालिटी के ये चावल हैं। तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी चावल बना रहे हैं और मुझे तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा लगा। जैसा कि आप इसकी पैकिंग से भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है और ये चावल भी बहुत उम्दा क्वालिटी का लग रहा है। और अब इसकी अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी यहाँ पर मेंशन की हुई है, प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 kg की प्राइस है 2450 रुपये। क्योंकि ये चावल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे ये रिटेल प्राइस लिखी गई है, लेकिन अगर आप किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से इन चावलों को परचेज़ करेंगे तो आपको इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसे कि इम्तियाज सुपर मार्केट है या मेट्रो है, अगर वहाँ से आप परचेज़ करते हैं तो ये चावल आपको सस्ते भी मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे भी ये चावल 2100 रुपये में 5 kg मिले हैं। तो यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को एक और बात बताता चलूँ कि आपको इसकी कीमत कुछ ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन आजकल मार्केट में आप खुले चावल भी लेंगे अच्छे किस्म के तो वो भी आपको 350 से 400 रुपये फ़ी किलो देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई 300 रुपये वाले या 250 रुपये किलो वाले चावल ले लेते हैं और वो पकाने के बाद ख़राब हो जाते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो इन चावलों की कीमत इसकी क्वालिटी की वर्थ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़।